नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो वड़कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आदि चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो माय डिवाइन विजन आदि फैमिली, आई होप आप सब स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना सीखिए, क्योंकि जब आप छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, आपको कोई चीज़ दुखी नहीं कर सकती। चलिए, आज का जो टॉपिक है ये क्विक रीडिंग होने वाली है, दो पायल्स हैं। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप क्रश की फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग कीजिए, तो मैं आ गई हूँ आपके क्रश की फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग लेकर। ठीक है, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ओके, ये है पायल नंबर वन। ओके, ये है पायल नंबर टू। ओके, और ये मैं आपके सामने लाइव शफलिंग करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपके सामने मैं लाइव शफलिंग करूँगी। ओके, क्योंकि ये दोनों पायल्स हैं, पायल वन पायल टू, पायल वन पायल टू, पायल वन पायल टू। पायल वन इज एचरल विजन स्टारो, पायल टू इज एनर्जी ओरेकल डेक। ओके, आप कलर वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो, इमेज वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें हाई प्रीशियस है, इसमें गॉडेस ऑफ द मून है। ठीक है, सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स से गॉड से खुदा से कहें, इसी बाल की तरफ आपको ले जाएं, डायरेक्ट करें। आप चाहें तो वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप बेटर तरीके से सेलेक्ट कर पाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, तो जिन्होंने सेलेक्ट किया था पायल नंबर वन, ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये पायल वन, यानी एचरल विजन स्टारो, हाई प्रीस्टेस, हो सकता है आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हैं, आपका दिल बहुत साफ है। ठीक है, और आपने इंट्यूशन की सुना कीजिए, कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे मैसेज देती है, पर आप शायद वो ग्रांटेड ले लेते हो, या जब भी आप नहीं सुनते तब भी आप कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। ठीक है, कोई ना कोई दुख आपको मिलता है जब आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते हो तो। ठीक है, दूसरा, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, या आपके पर्सन आपको एक बहुत ही स्पिरिचुअल, उनको पता है आपकी स्पिरिचुअल साइड है। हो सकते हैं आप टैरो रीडर्स भी हो सकते हो, आप में से कुछ लोग या स्पिरिचुअल फील्ड में आप कुछ काम करते हो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई जस्ट हर्ड यूट्यूब, आप में से कुछ सोचते हैं यूट्यूब चैनल है या यूट्यूबर बनना चाह रहे हो आप। ठीक है, सो गुड लक। चलिए अब आपकी क्रश की फीलिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो डियर डिवाइन आर्कएंजल माइकल, संतरे बापा, बजरंग बली, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज बताइए पायल वन के लोग हैं, उनकी क्रश की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। पायल, ओके, आई एम फीलिंग गाइडेड टू से दिस। ओके, जैसे मैंने कहा क्विक रीडिंग होने वाली है ये, बिकॉज यू नो मैं कितना एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ठीक है, ओके, सो लेट्स लुक एट द कार्ड्स। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। रियली एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं कार्ड्स, बिकॉज इसका इमेजरी थोड़ा लाइट हल्के रंग का है। ठीक है, दिस इज क्वीन ऑफ कप्स, आई होप यू गाइस कैन सी इट, दिस इज क्वीन ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव द सन। ओके, एंड देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। वाओ, यू जस्ट सेलेक्टेड हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस ओवर हियर, अमेजिंग, डिडंट आई टेल यू। ओके, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, and last but not least we have the world. So you have the set of best cards in this deck. Okay, so let's see आपके crush आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके जो crush हैं वो जानते हैं कि आप एक emotional person हो। ठीक है, कई बार आपके emotions जो हैं out of balance हो जाते हैं। आप मेहनत करते हो, hard working हो, ठीक है, लेकिन क्रेडिट शायद दूसरे लोग ले जाते हैं। ठीक है, बेसिकली आई एम ऑल्सो हियरिंग कि उनको आप में बहुत पोटेंशियल दिखता है, करियर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, उनकी आपको पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, उनको लगता है कि आप काफ़ी स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, और आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, इन शॉर्ट पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे क्रश में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ लोगों को कम्युनिकेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ये पर्सन आपको अच्छी, उनका जो नज़रिया आपको देखने का बहुत पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, और मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों को उसमें कम्युनिकेशन बैरियर ब्लॉकेज चल रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे सेशन बुक कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कम्युनिकेशन रेमेडीज़, क्योंकि मेरे काफ़ी क्लाइंट को सक्सेस स्टोरीज में हैं, मिली हैं इसमें। ठीक है, सक्सेस मिली है इसमें। तो डिवाइन विजन आरडी पे आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है डिवाइन विजन आरडी नाम से, मुझे ईमेल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आपके जो पर्सन हैं उनके नज़रिए में
या सो मुझे भी दिख रहा है कि आप लोगों के जो क्रश हैं उनको लगता है कि आपका मिलना जो था वो डेस्टिन्ड था, वो लिखा हुआ था किस्मत में, ठीक है। अब चाहे आप लोग वर्क रीज़न की वजह से मिले हों, करियर की वजह से मिले हों, मुझे मोस्टली लग रहा है कि आप लोग या तो स्टडी करते हैं, वर्क कर चुके हैं, स्टडियाँ वर्क कर चुके हैं साथ में, या करते हो आप स्टडियाँ वर्क करते हो साथ में, कुछ लोग वर्क रीज़न की वजह से मिले हैं, कुछ लोग कॉमन फ्रेंड्स की वजह से मिले हैं, आप काफ़ी लोग जैसे देख रहे हैं साथ में स्टडियाँ वर्क करते हैं, किसी कॉमन फ्रेंड की वजह से मिले हो, कुछ लोग कुछ ऐसा है कॉमन है कुछ आप लोगों के बीच में, कोई हो सकता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कुछ काम भी जो आप एक जैसा कुछ करते हो आप, ठीक है। तो चाहे वो क्रिएटिव हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, कुछ तो ऐसा काम है जो आप लोगों की फील्ड ऑफ वर्क जो है थोड़ी कॉमन हो सकती है, या इंटरेस्ट हॉबीज़ आपकी कुछ कॉमन हो सकती हैं, ठीक है। ये पर्सन को देखो दो कार्ड स्पिरिचुअल आ चुके हैं, तो वर्ल्ड एंड हाई प्रीशियस पर्सन के अकॉर्डिंग आप बहुत खूबसूरत हो, यू आर रियली अट्रैक्टिव, प्रिटी और हैंडसम, जो भी यू नो सूट एनर्जीज अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, ठीक है। सभी के लिए है ये रीडिंग, ठीक है, जेंडर बाइज नहीं है ये रीडिंग, ठीक है। तो उनको ये भी पता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो भाई, दो कार्ड स्पिरिचुअलिटी के आ चुके हैं, ठीक है। इनको लगता है चाहे आप यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, आई एम पिकिंग अप योर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, ठीक है। आप एज अ इंसान भी आप बहुत खूबसूरत इंसान हो, और पर्सनैलिटी जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हो, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से आप खुद को कैरी करते हो। मुझे भी चैनल मैसेज आया कि आपने पूरा आप ना जैसे प्रॉपर आपने पूरा सूट पहन रखा है, प्रॉपरली आप फुल स्लीव्स के प्रॉपरली कवर्ड क्लोथ पहन रहे हो, उसके बेस में भी आप बड़े ग्लैमरस लग सकते हो और लगते हो, ठीक है। ये मेरे को चैनल मैसेज आया है, ठीक है। आप कुछ भी पहनो सब में ग्लैमरस और ग्रेसफुल लगते हो, सबसे बड़ी बात आप ग्रेसफुल लगते हो, ठीक है। आपको खुद को कैरी करना आता है अच्छे से, ठीक है। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप कुछ के हो सकता है रेड ब्राउन गोल्डन थोड़े ऑबर्न और ब्रूनेट हेयर हैं किसी के, या आपने करवाए हैं, ठीक है। स्ट्रीक्स हो सकते हैं, हाईलाइट हो सकते हैं, आपके कलर ग्लोबल हेयर कलर कुछ ऐसा है, या लाइट हेयर हैं आपके, ठीक है। तो वो उनको आपके बाल बहुत पसंद नहीं भी हैं तो भी उनको आपके बाल बहुत पसंद हैं, आपके बाल किसी भी कलर के हों तो उनको आपके हेयर बहुत पसंद है, उनको आपका स्किन टोन, आपका जो आप उनको बहुत ग्रेसफुल और सोफिस्टिकेटेड लगते हो, ठीक है। उनको ये भी पता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो, ठीक है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। चलिए अब एक मैसेज उठा लेते हैं। यस सरप्राइज, पायल वन के क्रश की तरफ से एक मैसेज दीजिए यूनिवर्स, पायल वन के क्रश की तरफ से एक मैसेज दीजिए यूनिवर्स। अगर वो कहते तो क्या कहते पायल वन से, बहुत कुछ है कहने को इनके पास भाई आपको। चलिए इतने कार्ड तो हम नहीं ले सकते, ये हम लेंगे ओके, सिर्फ इतने ही कार्ड हम लेंगे, ठीक है, ओके। उनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी हेल्पफुल पर्सन हो, आपको लोगों की हेल्प करना, गाइडेंस देना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको अच्छा लगता है, या लोग आपके ऊपर बहुत काउंट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। या आप ऐसा कुछ काम करते हो जैसे लोगों को गाइड करते हो, हेल्प करते हो, बिकॉज ए फेसबुक पासवर्ड इज़ नॉट जस्ट योर्स। ये पर्सन आपको फेसबुक पर हो सकता है स्टॉक करते होंगे, स्पाई करते होंगे, या इनके पास कहीं ना कहीं आपका फेसबुक हो सकता है कि इन्होंने देखा होगा डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए अगर आपके क्रश के साथ आपके नंबर एक्सचेंज हो चुके हैं या पासवर्ड उनके पास हो सकता है आपका, नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास इतना अच्छा इंटरेक्शन है जिन लोगों का, बिकॉज यू लव योर पेरेंट्स मोर देन एनीथिंग। तो अपने होते हैं, ठीक है, वो वाला सॉन्ग, ठीक है, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, बिकॉज यू नेवर लाई टू मी, क्योंकि आप सच बोलते हो, आप कभी झूठ नहीं बोलते। ये मैंने बोला कि प्योर हार्टेड पर्सन इनको बहुत अच्छा लगता है ये बात, यू टेक सजेशन फॉर योर मेक ओवर्स। अब चाहे किसी बात से किसी भी बात को लेकर सजेशन हो, कपड़ों को लेकर, लुक्स को लेकर, मेक ओवर को लेकर, वर्क को लेकर, स्टडी को लेकर, हो सकता है किसी भी बात को लेकर इनसे सजेशन लेते हो आप इनसे, ठीक है। तो ये वो कहना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी पायल वन की रीडिंग, थोड़ी क्विक रीडिंग थी, कैसी आपको लगी जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दिल की आवाज़ सुनिए और सब्सक्राइब चिपका डालिए, ठीक है। चलिए, सो आई सी यू अनदर रीडिंग पायल वन, चला। हेलो पायल टू, कैसे हो आप सब, आई हैव बीन टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और स्माइल करते थे, किसी ने आपको बताया कि आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह। चलिए स्माइल करते रहिए, ठीक है। जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये एनर्जी रेकल गॉडेस ऑफ द मून एंड ब्लू कलर, मुझे इस पायल के लिए स्पेशली दिख रहा है कि कम्युनिकेशन या तो बिल्कुल बंद है, या आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन का वेट हो रहा है, कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सीरियसली हैं यहाँ पे, या कुछ कम्युनिकेशन दिल से दिल की बात एक्सचेंज नहीं हो पा रही है। मुझे जो सभी चैनल मैसेजेस सुनाई दी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी होंगी, आपने या उन्होंने, ठीक है, फीलिंग्स कन्फेस नहीं हुई हैं। ये पर्सन के अकॉर्डिंग
इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप काफ़ी एक्सप्रेसिव हो, ठीक है, आप जिस तरह से खुद को कम्युनिकेट करते हो, यू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप सो टू से। कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में से भी हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। आई एम पिकिंग अप मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग है कुछ लोगों का मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग है। आप राइटर्स हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स एंड पिकिंग अप कुछ क्रिएटिव फील्ड का काम आप करते हैं, चाहे आपकी हॉबी हो या आपका प्रोफेशन हो। चलिए देखते हैं अब आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके सो डियर यूनिवर्स, आपके प्लीज़ बताइए पाइल टू की जो क्रश उनकी फीलिंग्स क्या हैं, पाइल टू के जो क्रश हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं पाइल टू के लिए। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए भाई। ओके वी हैव अ लॉट ऑफ कार्ड्स, नो, इतने कार्ड्स नहीं ले सकते हैं भाई। ओके सो लेट्स पुट देम बैक। ओके सो चलिए क्विकली हमें रीडिंग रैप अप करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, बिकॉज मेरे सेशंस हैं करने के लिए, मुझे अभी सेशंस करने बैक टू बैक 4 सेशंस हैं मेरे, उसके बाद बाकी मैं कल करूँगी अब, ठीक है। सो चलिए क्या सोचते हैं आपके क्रश आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं वो आपको लेकर, द थिंकिंग वूमन। अब चाहे वो फीमेल हैं या वो मेल हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको याद ही नहीं करते हैं, उनको आप याद ही नहीं हो, भूल गए आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको याद करते हैं। वी हैव ब्रोकन हार्ट इन रिवर्स, हो सकता है आपने आपके ऐसे कुछ कहने से या करने की वजह से उनका दिल जो है थोड़ा टूट गया था, या आपने कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड किया था, कहा था, जिसकी वजह से वो कुछ और उम्मीद लगा रहे थे, कुछ और हो गया, तो उनका वो दिल टूट चुका था, जिससे वो हील कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है हो सकता है उस पर्सन का पास में किसी ने दिल तोड़ा होगा जिससे ये रिकवर कर रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है आप लोगों के वो अब संभल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है। स्ट्रैटेजी, ये पर्सन पूरी प्लानिंग करके कैसे बात करें, कैसे शुरुआत करें करके आपके सामने आएंगे, वो अभी प्लान बना रहे भी कैसे सामने और कैसे बात करूं मैं, ठीक है, लेकिन वो अभी सैड है फ्रेंड्स, आपके बिना दुखी हैं, सैड है, वो दिखाते होंगे कि मैं तो परफेक्ट, बड़ा खुश हूँ, ऐसे दिखाते हैं वो हैप्पी फैमिली के, मैं बड़ा खुश हूँ या बड़ी खुश हूँ, लेकिन वो इतने खुश नहीं है जितने वो एक्ट करते हैं, ठीक है, या जितना वो दिखाते हैं। हैप्पी फैमिली, ये पर्सन हो सकते हैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे पड़े हैं, इनके शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या कुछ लोगों की उसका एंगेजमेंट हो चुकी है, या कुछ लोग हो सकता है मैरिड हो, या हो सकता है आपके साथ ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर का सोच रहे हैं। सूट यू एनर्जीज, मैं आपको अलग अलग सिनेरियोज बताएं जो आपके साथ मैच करता है, वो आप देख लीजिएगा। द सन, उसमें भी द सन आया था, मुझे लगता है दोनों पाइल्स इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हो, आप चाहें तो उसमें भी आपके मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि द सन कार्ड के साथ उनको लगता है आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप एक बहुत ब्राइट सनी साइड अप काइंड ऑफ पर्सन हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, आपको मतलब यू लाइट अप माई वर्ल्ड, ओके आई जस्ट हर्ड यू लाइट अप माई वर्ल्ड, ठीक है। हो सकता है आपने येलो ग्रीन कुछ कलर्स ऑफ द सन जब आप पहनते हो, ऑरेंज गोल्ड येलो, तो उनको आप बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है, तो उनके उसके आपको कुछ खूबसूरत मोमेंट्स हों जिनको वो याद करते होंगे, ठीक है। जिससे चैनल मैसेज, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो यस वो आपको अपना हार्ट ऑफर करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप ऑफर करना चाह रहे, नहीं करिए तो हो सकता है करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और कार्ड्स देख लेते हैं, काफ़ी कार्ड्स हैं, आपके क्रश की फीलिंग्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बहुत फीलिंग्स हैं उनकी, वो छुपा रहे हैं। अटैचमेंट, आपको मिस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अच्छा मुझे वो दो गाने याद आ रहे हैं, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आई थिंक वो लम्हे फिल्म से गाना था ये, आई थिंक शानी आहूजा एंड क्या नाम था उसका, कंगना रनौत का सॉन्ग था, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इस करके कुछ सॉन्ग है जो मुझे याद आ रहा है। दूसरा, वो महफिल में भी तन्हा महसूस करते हैं, इस तरह का कुछ सॉन्ग था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा अभी। एंड देन वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्र है फ्रेंड्स, ये थर्ड चक्र, तो वो कॉन्फिडेंस चाहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फ्रेंड्स, वो हिम्मत मस्त जो हिम्मत है ना वो नहीं जुटा पा रहे आपको बताने की उनकी फीलिंग्स क्या हैं। मैंने कहा ना हो सकता है कुछ का बुरा वाला हार्ट ब्रेक हुआ होगा पास्ट में,
ठीक है, एंड देन वी हैव वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आपको बहुत ही एक लविंग एनर्जी में देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि कंप्लीट पैकेज हो आप, जिस तरह से आपके ब्यूटी विद ब्रेन्स हो या लुक्स विद ब्रेन्स हो, यू नो ड्रॉन विद ब्रेन समथिंग लाइक दैट, उनको भी लगता है कि आप में काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी आप आगे बढ़ सकते हो, उसके हो सकते हैं पर्सन आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे करियर में कुछ गाइडेंस दे के, कोई जॉब ऑफर दे के, कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपको कुछ करियर में सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आई एम हियरिंग मोरल सपोर्ट, आपको मोरल सपोर्ट भी देना चाह रहे हैं, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ये पर्सन कह रहे हैं कि आई एम सॉरी मैं अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट और मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती कि आपको मेरी सफरिंग का हिस्सा बनना पड़े, तो ये टाइम मुझे अकेले ही, ये सपोर्ट मुझे अकेले ही समेटनी होगी, अकेली सॉल्व करनी होगी। देन वी हैव लास्ट कार्ड इज पेशेंस, क्या कहा था अभी मैंने, वो कह रहे कि ये समय प्रॉब्लम अकेले ही सॉल्व करनी होगी, इसके लिए आपको अभी पेशेंस रखना है, पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, इनको रेस्ट एंड रिजुविनेशन से यानी फोर ऑफ शॉर्ट्स के नोटिसम को बाहर आने दीजिए, फिर ये जो है आपको रिलेशनशिप ऑफर कर सकते हैं, कुछ लोगों का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी आ सकती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आपके चैनल लव मैसेजेस फ्रॉम योर क्रश। सो व्हाट अ पायल टू के लिए उनके क्रश की तरफ से चैनल लव मैसेजेस क्या हैं, अगर वो कहते तो क्या कहते, पायल टू से उनके क्रश कहते तो क्या कहते। ओके, यू विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ मी, मुझे लगता है कि या तो आप उनसे कभी बोर नहीं होगे, आपकी फीलिंग्स जो उनको लेकर ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, तो आप जो है रिलेशनशिप्स को टाइम पास की तरह नहीं समझते, आप बहुत सीरियसली लेते हो, एंड यू आर एन ऑलराउंडर, क्या कहा था मैंने कि आप कंप्लीट पैकेज हो, ठीक है। देन वी हैव यू कुक जस्ट फॉर मी, ओके, आप हो सकते हैं आप कुकिंग करते हो, अच्छी कुकिंग करते हो, उनको पता है आप कुकिंग करते हो, आपको पता नहीं पता लेकिन उनको पता है आप अच्छी कुकिंग करते हो। ऑल योर संडेज जस्ट बिलोंग टू मी, आपके साथ वीकेंड स्पेंड करना चाहते हैं, टाइम पे हो सकता है बिजी रहते होंगे वीकडेज पे। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड अपने दिल की बात सुनिए और एक सब्सक्राइब चिपका डालिए, ठीक है। चलिए तो आपको मिलूंगी एक नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर। नहीं एक्चुअली मैं गुड बाय नहीं कहना चाहती क्योंकि कभी अलविदा नहीं कहना चाहिए, हम फिर मिलेंगे चलते चलते, ठीक है। चलिए चला, टेक केयर, सेव ना, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुशियाँ ढूंढते रहिए छोटे पलों में, और खुश रहिए, ठीक है।